ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। पैदल चलने लगी, फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। हाँ, एक महिला को पुलिस कर्मचारी ने, मैं गिर गई। प्रियंका गांधी के आरोप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हैं। वो आरोप लगा रही हैं कि यूपी पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। मैं अपना प्रोग्राम खत्म करके गाड़ी में शांतिपूर्वक बगैर किसी को कहे, ताकि तमाशा ना हो, ताकि कुछ डिस्टरबेंस ना हो, हम चार पांच लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ आ रहे थे तारापुरी जी की फैमिली से मिलने। रास्ते में अचानक पुलिस की गाड़ी आगे आई और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे रोक ली और हमें कहा कि आप नहीं जा सकते। तो हमने पूछा, भाई क्यों नहीं जा सकते? इनको तो मालूम भी नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो रोकने का मतलब क्या होता है? तो मैंने कहा, क्यों नहीं जा सकते? नहीं, आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा, फिर मुझे रोकिए। तो मैं गाड़ी से उतर गई और मैंने कहा, मैं पैदल जाऊंगी। मैं पैदल चलने लगी तो फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने, मैं गिर गई। शनिवार को प्रियंका गांधी कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाकर लखनऊ में रिटायर्ड आईपीएस एसआर दारापुरी के परिवार वालों से मिलने जा रही थी, तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी को जबरन लोहिया पार्क के सामने रोक लिया। पुलिस ने उनसे कहा कि वो आगे नहीं जा सकती। प्रियंका का आरोप है कि जब वो गाड़ी से उतरकर पैदल जाने लगी तो पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया, उनको दबाने की कोशिश की। विवाद के बाद बीच सड़क पर प्रियंका का काफिला रुक गया। यूपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यूपी पुलिस के अधिकारियों से बहस करते रहे। प्रियंका गांधी आखिरकार अपनी गाड़ी से उतरी और पैदल ही चल पड़ी, लेकिन पुलिस प्रियंका को किसी भी सूरत में रोकने पर अड़ी रही। आखिरकार प्रियंका गांधी स्कूटी पर सवार होकर निकली। इसके बाद वो एक कार्यकर्ता के टू व्हीलर से दारापुरी के घर गईं। ये अलग बात है कि स्कूटी चलाने वाले ने हेलमेट नहीं पहना और प्रियंका ने भी हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं समझी। पैदल चलने लगी, फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला।